हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आज तो मैं दिवाली के लिए साफ सफाई पूरा की हूँ, इसलिए आज थोड़ा सा लेट हो गया आप लोगों से बात करने में। बहुत सारा काम था, पूरा झाड़ झूठ पाँच हर चीज़ कर लिया मैंने। और अभी कपड़ा धो के आई हूँ, छत पे जा रही थी कपड़ा पसारने, सोचा पहले आप लोग को बता दूँ, आप लोग से बात कर लो। इसलिए थोड़ा खाना भी नहीं खाए हूँ, दोपहर के 12:30 बज चुके हैं, सॉरी 1 बज चुके हैं। अभी तक मैं खाना नहीं खाई हूँ, कपड़ा पसार के आती हूँ तो जाऊँगी खाना खाने, क्योंकि बेबी अभी सोई हुई है, फिर उठ जाएगी तो कपड़ा पसारने में मुझे नहीं होगा, तो मैं जा रही हूँ पहले कपड़ा पसार लेती हूँ। दोस्तों, मैं अभी जा रही हूँ आप छत पे कपड़ा देखने, देख सकते हैं साथ में बेबी भी है। जल्दी जल्दी मैं कपड़ा पसार के नीचे भाग गई थी, क्योंकि बेबी उठ जाती इस वजह से, और ये सचमुच उठ ही गई। जैसा कि आप लोग को पता है, ये मेरे बिना सोती नहीं है। ये देखिए, सारे कपड़े पसारे हुए हैं हमने। अगर मन करते हैं तो हम छत पे ही आके घूम लेते हैं, और आप देख सकते हैं कि हम अभी भी घूम ही रहे हैं छत पे, बेबी को साथ में बेबी को भी घुमा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, देखिए दोस्तों, हम बस स्टैंड के पास रहते हैं, काफ़ी सारे बस लगे हुए हैं। पूरा दिन ऐसे ही आवाज़ आती रहती है बस का, रात में भी चैन से सो नहीं पाते हैं। चलिए दोस्तों, कपड़ा तो अभी मेरा सूखा नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ नीचे चली जाऊँ और थोड़ा देर बेबी के साथ मैं खेल लूँ। चलो बेटा नीचे चलेगी नीचे। देख सकते हैं दोस्तों, नीचे जा रहे हैं। क्या देख रही है उधर? चलो नीचे चलो। अब हम रूम में आ गए और अब जा रहे हैं बेबी के साथ थोड़ा सा खेलेंगे, है ना बेटा? मम्मा के साथ खेलेगी ना? ओए बेटा, मम्मा के साथ खेलेगी ना तुम? देखिए इसको भी बेड पर रख दिए। हाँ ले 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 ले, बोलो तो हाय, बोलो ना रे। ये अभी कुछ नहीं बोलेगी, ये अभी बहुत गुस्से में आगे से मार लगा है। आज बहुत परेशान की है,
वहाँ जैसे एक थप्पड़ जोर से लगाया है, इसलिए मुझसे गुस्सा हो रखी है मेरी बेटी, है ना बेटा? मम्मा से गुस्सा है। दोस्तों अब तो मेरे सारे रूम का साफ सफाई पूरा हो गया, आप देख सकते हैं हर चीज़ साफ सफाई हो गया है। और अब कुछ काम और बचे हुए हैं, जो बेबी के पापा जब रूम पे रहेंगे फिर जाके करूँगी। कुछ कपड़े ऐसे हैं धोने हैं, और क्या, और बाकी सब हो चुका है। आ जा तुम गोदी में ही आ जा। फिलहाल अभी का इतना ही काम है, जो खाना खाए हैं 2 बजे में, और उसके बाद बेबी उठ गई तो बर्तन सारे पड़े हुए हैं, अभी तक धोया नहीं है वो। अभी इसके सोने का इंतज़ार कर रही हूँ, ये सोएगी, फिर जाके मैं जो कहते हैं सो बर्तन धोएंगे। और उसके बाद आज तो मैं सो नहीं पाई, सर भारी भारी सा लग रहा है, लेकिन क्या करें, अब ये जब बेबी उठ चुकी है तो इसको लेके सो भी तो नहीं सकते हैं इसको छोड़ के। इस वजह से हम अपना ऐसे ही बैठे हुए हैं इसको लेके। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि हम किचन में हैं, और दूध अभी तक हम वाले नहीं थे, सुबह 9 बजे दूध वाले दूध से चले गए, वाले नहीं थे, इस वजह से अभी उबाल रहे हैं। अब देखते हैं कि ये दूध सही रहता है या नहीं रहता है, ये देखिए। और अभी तो ठंडी का समय है, तो सही हो भी सकता है और सही नहीं भी हो सकता है। डर तो है ही अंदर में, जो हाँ कहीं ये दूध फट ना जाए, देखते हैं कि क्या होता है। दूध उबाल देते हैं, उसके बाद अभी जस्ट बर्तन धो के आती हूँ। ये देख सकते हैं आप, सारे बर्तन को धोई हूँ मैं, और अब दूध उबालने के बाद जा रही हूँ थोड़ा सा छत से कपड़ा सब ले आऊँगी, क्योंकि अभी बेबी सोई हुई है, नहीं तो फिर वो जब उठ जाएगी तो कुछ नहीं करने देगी। दोस्तों हम आए हैं छत पे कपड़ा उतारने, देख सकते हैं कपड़ा उतार के फटाफट चले जाना है रूम के अंदर, क्योंकि बेबी अकेले सोई हुई है, डर है कहीं वो उठ ना जाए। तो कुछ कपड़े अभी सूखे नहीं हैं, तो इसे यहीं पे छोड़ के जा रहे हैं। देखिए सारे कपड़े मैंने लिए हैं, कपड़े बच चुके हैं, मुझे वो सोचे नहीं थे, उसे छोड़ के हम आ गए हैं, बाद में जाके ले आएंगे। अभी छत पे थोड़ा बहुत धूप है। दोस्तों देखिए हम बेबी के साथ अभी आए हैं, जो कुछ कपड़ा छोड़ के गए थे वो उतारने के लिए, बेबी भी मेरे साथ में ही है, देख सकते हैं। और धूप अब ख़त्म हो गई है, तो 5 मिनट यहाँ पे रहेंगे और फिर कपड़ा लेके चले जाएंगे। आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे अभी घूम रहे हैं छत पे, और
पीछे का नज़ारा सारा देख रहे हैं, कैसे गाड़ी जा रही है, गाड़ी आ रही है, क्या हो रही है, नहीं हो रही है, यही सब देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ आपसे। वीडियो मेरा वीडियो देखना ज़रूर आप लोग, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, और लाइक भी कीजिएगा। बाय बाय दोस्तों।